हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन विंग्स एंड लेग पीस फ्राई, जिसके लिए मैंने लिया 6 पीस चिकन विंग्स एंड 2 लेग पीस। अब इसके लिए हम कुछ मसाले बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले लिया दही, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, चिकन मसाला, ब्लैक पेपर और एक नींबू, जिसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब भी आप चिकन फ्राई कर रहे हो ना, उसमें नींबू डालना जरूरी है, क्योंकि चिकन थोड़ी सी खट्टी खट्टी फ्राई में फ्लेवर आती है तो बहुत टेस्टी लगती है। तो हम इसे मसाले को दही में पूरे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। और अगर आपको चिकन मैरिनेट करके नहीं रखना है, इंस्टेंट बनाना है, तो आप उसमें मस्टर्ड ऑयल स्किप कर दें। अगर आप 3-4 घंटे रख सकते हैं तो उसमें मस्टर्ड ऑयल डालें। और यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम उसमें अपनी जो भी चिकन है वो सब डालेंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट करें कि आपको कैसी लगी। हम चिकन में ना मसाले को पूरे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे 3-4 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पर मेरे चिकन को रखा हुआ 3-4 घंटा हो गया हुआ है। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, और मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऑयल नहीं लिया क्योंकि हमें डीप फ्राई नहीं करनी है। तो मीडियम फ्लेम पे चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे हमारी चिकन अंदर तक मतलब पूरी पक जाए। और जब हमारी चिकन है नीचे से थोड़ी बहुत पक जाएगी, हल्की हल्की रेड कलर आने लग जाएंगे ना, तो हम उसमें उसे पलटना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे मेरे जो भी बचे हुए मसाले थे मैंने लास्ट में वो सब भी उसमें डाल दिए थे, तो आपके पास अगर मसाले जो लास्ट में बच जाएँ तो आप वो डाल देना। और यहाँ हमारे चिकन जो भी हो नीचे से हल्की से पक चुकी है, तो हम इसे पलट देंगे जिससे चिकन हमारा जले नहीं और अच्छे से पक जाए। अब हम चिकन को एक एक करके अच्छे से पलट देंगे। और जब हमारी चिकन मतलब 50-60% कुक हो जाए ना, तब उसे ना मीडियम फ्लेम पे करेंगे, जिससे मतलब हल्के से हमारे मसाले वो और अच्छे से पके और थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए हमारी चिकन की जो ऊपर की लेयर होती है। और हम इसे हाई फ्लेम पे करके पलटते रहेंगे, नहीं तो हमारी चिकन जो भी होती है ना वो नीचे से जल जाएगी अगर फटाफट नहीं पलटे तो। और ये बहुत ईजी एंड टेस्टी रेसिपी है, तो प्लीज़ इसे ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ हमारी चिकन रेडी हो चुकी है, ऐसे हम हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें।